सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ MNIT का कैंपस। अभी लगभग 11 बज रहे हैं, धूप सही है, थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है और कभी कभी चला जा रहा है, तो मौसम काफ़ी सही है आपको कैंपस दिखाने के लिए। और अभी मैं बिल्कुल मेन गेट पे हूँ। हम लोग कॉलेज का एक चीज़ ड्रॉबैक है यार कि मेन गेट ही नहीं है, तो आपको थोड़ा वो ओपन जो जैसे ही कॉलेज में एंटर करते वो फील नहीं आता कि हम कॉलेज में घुस रहे हैं। लेकिन यार अंदर का कैंपस इतना काफ़ी सही है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप स्टेशन से आते हो तो इस साइड से आओगे, और अगर आप एयरपोर्ट से आओगे तो इस साइड से आओगे, और यहीं पे आपको सारे ऑटोज़ मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाना होगा तो आप ऑटोज़ ले सकते हो, ठीक है। और इसके सामने आपको रेड फॉक्स होटल मिल जाएगा और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन वर्थ इट लगेगा आपको, अच्छा है काफ़ी, ठीक है। और WTP वगैरह अगर मार्केट जाना होता है तो आप ऑटो लेके इधर से जा सकते हो, या फिर आप डीन्स गेट से शॉर्टकट में भी जा सकते हो। डायरेक्ट WTP हो या फिर GT मार्केट जाना हो तो आप उधर से भी जा सकते हो, ठीक है। और ये है गाइस थोड़ा मेन गेट के बाहर का नज़ारा, और ये है छोटा सा गेट जो कि गेट क्या एक बोर्ड लगा दिया है जो कि स्पॉन्सर्ड बाय ICICI बैंक, ठीक है। तो काफ़ी ग्रीनरी कैंपस है यार, सही लगेगा। जोमेटो वाले भैया लोगों को यहीं पर रोक देते हैं। आईडी कार्ड दिखाना है क्या? हाँ स्टूडेंट है, बताओ सर आपका भी बना देते हैं। आप बताइए कि अगर नए बच्चे अभी आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो उनको एंट्री के टाइम पे अगर ज़रूरत होगा, या फिर मेन तो आई कार्ड है। ओके, आई कार्ड तो चेक करें। तो अभी तो जैसे नए बच्चे आएंगे उनको तो आई कार्ड मिलेगा ना? इशू नहीं होगा ना। हाँ क्योंकि गार्जियंस आएंगे उनके साथ में। हाँ, प्रोविजनल एक कार्ड रहता है आपको। मिल गया होगा। हाँ सही है, मेल आईडी, MNIT की मेल आईडी मिल गया होगा, MNIT की मेल आईडी देखेंगे। चलो चेक करेंगे पहले। सही है, तो आप आईडी कार्ड दिखाना। चलिए इनको कैंपस दिखा देते हैं ना, दिखा देते हैं। तो ये है गाइस थोड़ा अंदर का कैंपस। पता नहीं ये वाला रास्ता मैं आज तक गया नहीं, चले क्या? चलो यार ट्राई करते हैं, जैसे देखते हैं इधर से क्या मिलता है। मैं सच में लिटरली गाइस अभी तक गया नहीं हूँ, देखता हूँ इस रास्ते से कहाँ पे जाता है, कहीं फंस ना जाऊँ। बहुत खाली खाली से कैंपस इसलिए है ना क्योंकि एक तो सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर वाले सारे वेकेशंस में गए हुए हैं, और फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम है 5 से, मतलब कल ही से, तो कल से एग्ज़ाम है तो भाई कैंपस में क्यों ही घूमेंगे। और दिन के टाइम पे आपको वैसे भी खाली ही मिलेगा क्योंकि धूप वगैरह होता है। वो तो मुझे वीडियो शूट करना था तो हम आ गए हैं, लेकिन वैसे यूजुअली आपको उतना भीड़ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि उस साइड से आऊँगा। और इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर, ये एक्चुअली अगर आपको कोई स्टार्टअप्स का आइडिया आता है ना तो आप यहाँ पर लेके आओगे तो फिर आपको फंडिंग मिलता है, ठीक है। तो ये वाला वो चीज़ है। मैं लिटरली यहाँ पे बहुत इस साइड का बहुत कम आया हूँ, आपको भीड़ भी नहीं नज़र आ रहा है इसलिए। और ये वाला है गाइस कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये कोई डिपार्टमेंट है नहीं पता। तो इधर से चलते, इधर अपना काम नहीं है, आता हूँ। यहाँ पे आपकी काम की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंट्रल लॉन। आप जैसे स्टार्टिंग में आओगे ना तो आपको यहाँ पे वेलकम किया जाएगा, लाइक परफॉर्मेंस वगैरह जो भी होगा ना वो यहीं पे होगा सेंट्रल जोन पे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो जितने भी इवेंट्स होते हैं ना वो यहीं पे होते हैं सेंट्रल जोन पे, ठीक है। तो ये देख लो यार काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है। मैं एक काम करता हूँ, उसी के बाजू में ना एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी आपको दिखा देता हूँ। चलो तो चलो गाइस आपको लाइब्रेरी में दिखा देता हूँ। सेंट्रल जोन को थोड़ा और नज़दीक से देख लो। तो अंदर जाके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है ये, ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग शायद अलाउ नहीं होगा, पर ट्राई तो करते हैं। यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हो, मैं आपको चुपके से रिकॉर्डिंग करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। आईडी कार्ड ले लेते हैं। बता नहीं सकता ना, चिल्ला नहीं सकता, तो आपको ऊपर से दिखा देता हूँ एक बार, है ना।
बुक्स वगैरह यहाँ पे आपको इशू हो जाएगा। और ये है कुछ लाइब्रेरी, आप चाहो तो यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर मीटिंग वगैरह अगर आपको कभी काम पड़ सकते हैं तो हो भी सकते हैं। बाहर से ही देखो, यहाँ से आप बुक ले सकते हो, ठीक है। आज तो संडे है तो बंद है, बाकी अब देख लो यहीं से आप बुक वगैरह सब ले सकते हो। सो गाइस, आपको लाइब्रेरी तो दिखा दिया, चलो अब चलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं सीधा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कैंटीन, सेंट्रल कैंटीन, ठीक है। अभी भूख नहीं लगाया, लेकिन आपको खाना वहाँ का खा के तो बताऊँगा कि कैसा है। वैसे ठीक रहता है खाना, ठीक है। सेंट्रल कैंटीन में आपको, मतलब मैं 3 रेट करूँगा आउट ऑफ 5, मतलब कि मुझे ठीक ठाक लगता है, काम चलाने लायक तो सही है। वैसे हमको लग रहा है अभी खुला नहीं है, क्योंकि 11 बज रहे हैं शायद, 11:30 तक खुल जाता है। सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं सेंट्रल कैंटीन के अंदर। और गाइज, क्योंकि आज संडे है तो आपको भीड़ भी नज़र नहीं आएगी, और थोड़ा सा लेट से ओपन होता है, बट यूजुअली नॉर्मल डेज में ये 10 बजे तक तो ओपन हो जाता है, ठीक है। और खाने का अगर बात करो तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, और भी ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल होते हैं जब आपका नॉर्मल डे होता है, बट क्योंकि संडे है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि भीड़ ही नहीं होता है। स्नैक्स में गाइज ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है, और यही नहीं, आपको अगर साउथ इंडियन फूड्स पसंद है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जूसेस मिल जाता है, और फिर आपको आइसक्रीम्स एंड कुल्फ़ी भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं मेन बिल्डिंग प्रभा भवन, देख लो काफ़ी सुंदर सा है यार, ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाएगा एकदम मस्त वाला। और वैसे ही आज संडे है तो कुछ भी खुला नहीं होगा, तो अंदर जाके फ़ायदा है नहीं। और अंदर में वही एकेडमिक्स होते हैं, ऑफिसेस वगैरह होते हैं, वैसे ही वो रिकॉर्डिंग करना मना करते हैं और करने भी नहीं देते हैं। तो मैं अभी अपना साइकिल लगा के थोड़ा एक थंबनेल लेने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देख लो यार प्रभा भवन। ज़्यादा मेहनत करने के बाद गाइज एक फ़ोटो खिंचाया, पता नहीं वो भी सही है कि नहीं, लेकिन मतलब कोई नहीं रहेगा अकेले का काम, अब पता चला यार कितना डिफ़िकल्ट होता है। वैसे तो बोल देते हैं कि हाँ यार अकेले कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लाइक सेट करके, मैं टाइमर सेट करके पोज देने के लिए और थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करा रहा था, हालत ख़राब हो गया था। लेकिन अभी आ गया हूँ यार सीसी कंप्यूटर सेंटर, जहाँ पे आप पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो अंदर यार चल के आपको दिखाते हैं। पहले यार वॉशरूम लगा है, ये खाली सा वॉशरूम काफ़ी सही है यार, पसीना हो गया यार रिकॉर्ड करते करते, बहुत धूप अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आपको सीसी जाके कंप्यूटर सेंटर जाके दिखाते हैं अंदर कैसा होता है। अब गाइज हम लोग जा रहे हैं कंप्यूटर सेंटर, यहाँ पे एंटर करने के लिए आपके पास मैंडेटरी है कि आईडी कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो शायद एंट्री ना मिले, मतलब नहीं ही मिलेगा। और गाइज यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना भी मना है, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था। कंप्यूटर सेंटर फुल्ली एयर कंडीशन होता है, और आपको यहाँ पे बहुत ही हाई इंटरनेट वाईफाई अवेलेबल होता है, और आप कोई भी पीसी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे क्या था गाइज, मुझे तो सिर्फ एसी का हवा चाहिए था। और हाँ गाइज, ये 24/7 ओपन होता है, इसलिए समर टाइम में तो स्टूडेंट्स इसको अड्डा बना देते हैं, जस्ट किडिंग गाइज। और गाइज ये है वेटिंग एरिया, जहाँ से आपको कंप्यूटर सेंटर का फुल व्यू नज़र आ जाएगा। और ये है गाइज MNIT का छोटा सा प्यारा सा फाउंटेन, जो होली के टाइम पे क्यों बंद कर देता है पता नहीं। और ये है गाइज मेन गेट, जहाँ से हम लोग सीधा आके लेफ्ट ले लिया था, बट अगर सीधा आते तो प्रभा भवन पहुँच जाते। और गाइज अब हम लोग चलते हैं सीधा PMC की तरफ। तो ये है PMC का चौराहा, जहाँ से आप लिटरली बहुत अलग अलग जगह जा सकते हो, बट ये रास्ते से आप गर्ल्स हॉस्टल जा सकते हो, जो कि हम नहीं जा सकते क्योंकि गाइज हमें मार नहीं खाना, तो हम फिलहाल चलते हैं PMC। वैसे तो यार PMC अपने हरियाली के लिए फेमस है, लेकिन इतना सन्नाटा, कोई नहीं यार फ्रेशर्स आएंगे फिर से हरियाली हो जाएगी। भैया ऑरेंज का जूस हो जाएगा, नहीं बनाना मिल्क से कर दो, हाँ एक
सो गाइज़ यहाँ पे आपको सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स ही नहीं जूसेस, शेक्स और वेजिटेबल्स जो कि प्रोफेसर्स के लिए भी होता है। बट गाइज़ यहाँ का रेट आपको बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और ये है गाइज़ सरस पार्ले, यहाँ पे आपको पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड डेयरी प्रोडक्ट इजीली सारे मिल जाएंगे। और इसके अलावा पीएमसी में दो और शॉप्स है जहाँ पे स्टेशनरी मिलता है और एक प्रिंटआउट के लिए है। सो अपना बनाना मिल्क से ख़त्म करने के बाद हम जाते हैं द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ आवर कॉलेज। एंड गाइज योर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल बी कंज्यूम्ड हेयर ओनली। यस गाइज, इट इज़ नन अदर देन द एशियाज लार्जेस्ट लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स VLTC, विच स्टैंड फॉर द विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ गाइज, हो गया मेरा अंग्रेजी ख़त्म। तो चलिए VLTC की बात करते हैं। इसकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है गाइज। ये जितना बड़ा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये अंदर से है। और इसके डिज़ाइनर जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है गाइज, उसके लिए तो एक अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि यार एवरी स्मॉल माइनर डिटेल्स आर सोन सो परफेक्टली। तो गाइज़ अब मैं हॉस्टल जा ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने OAT और प्रताप स्थल, जो कि इतनी सुंदर और इतने अच्छे से बनाया गया है, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो यूटर्न मार के फिर मैं चला जाता हूँ कि आपको वो जगह दिखा दूँ। तो 2 मिनट में गाइज़ हम लोग पहुँच जाते हैं OAT, और उसके जस्ट सामने है डिस्पेंसरी। और गाइज़ यहाँ पे सारे आपको मेडिसिंस मिल जाएंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट भी इधर ही बनेगा, तो काफ़ी काम का जगह है, आप समझ रहे हो ना। OAT में गाइज जितने भी अनऑफिशियल मीटअप्स होते हैं ना, वो यहीं पे होता है। और जितने भी जैमिंग सेशंस आप आओगे तब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इसके सामने है गाइज प्रताप स्थल, जो कि बहुत सुंदर है और अभी के डायरेक्टर ने इन्हें बनाया है बहुत अच्छे से। डन गाइज, मज़ा आ गया कैंपस दिखा के। मौसम अभी जाके अच्छा हुआ था, बीच में बहुत ज़्यादा धूप हो गया था जिसके कारण सच में मेरी आंखें अंदर चली गई है, क्योंकि मैं कुछ खाना भी नहीं खाया हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ऐसे ही आपको स्पोर्ट्स का भी वीडियो चाहिए तो मैं करा दूँगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूँगा। चलो बाय।